वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मास वैशाख मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है और इस मास में शुक्ल पक्षीय तृतीया तिथि को अक्षय धनलक्ष्मी तृतीया कहा जाता है, अर्थात वह दिवस वह पर्व इस पर्व पर विशेष रूप से सही चिंतन और साधना पूजा मंत्र जप संपन्न करने से जीवन में निरंतर निरंतर अक्षय रूप में सुख सौभाग्यमय स्थितियों की प्राप्ति होती रहती है। अक्षय तृतीया महापर्व जो कि 10 मई को हम संपन्न करेंगे और प्रत्येक साधक साधिका को बालक बालिका को इस दिवस को पूर्ण उत्साह ऊर्जा से साधक स्वरूप में संपन्न करना ही चाहिए, क्योंकि इस अक्षय तृतीया महापर्व पर पंच योगों से युक्त यह महापर्व संपन्न हो रहा है और ये पंच योग है गज केसरी योग, मालव्य योग, उत्तम योग, धन योग, रवि योग से युक्त यह अक्षय तृतीया महापर्व पंच योगों से युक्त है। ऐसे पंच योगों को जीवन में आत्मसात करने से जीवन में जो भी हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बराबर सक्रिय और क्रियाशील रहती हैं और निश्चित रूप से हमें जीवन में जो भी हमारे सप्त सुख हैं, जो सप्त सुख की प्राप्ति है, उन सब सुखों की हमें प्राप्ति निश्चित रूप से होती ही है। और ऐसे ही मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में जो भी ये सप्त सुख है निरंतर निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहें और जो भी इनमें अवरोध बाधा आती है उन अवरोध बाधाओं को समाप्त करने के लिए उन क्षय का निदान कर सके। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने अलग अलग भाव चिंतन से फोटो के द्वारा शक्तिवाद दीक्षा अवश्य ही आत्मसात करनी ही चाहिए।